सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर युवक कांग्रेस ने राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की। युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष राकेश दायमा ने बताया कि बांसूर पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय व पंचायत समिति परिसर व ग्रामवासियों को 10,000 फेस और पीपी किट भेंट की गई। इस अवसर पर राकेश दायमा ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती तब तक मास्क ही उपचार है। इस अवसर पर नीरज तोगड़िया, सरपंच धूलीचंद सोलंकी, डॉक्टर रतनलाल, गौरव शर्मा, मदन सैनी, बलवंत बरिया आने की हुआ साथ मौजूद रहे। और अच्छे व्यक्तित्व के धनी राकेश दायमा और इनकी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिन्होंने यह मास्क वितरण का कार्यक्रम रखवाया, जिसके माध्यम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम मास्क वितरित करवा रहे हैं। साथ ही हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि समस्त कार्यालयों में जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ऐसे राजकीय कार्यालयों में जो ये ऊपर बैनर लगा हुआ है, इसकी हम ठोस रूप से पालना करवाएंगे। नो मास्क नो एंट्री जो अभियान राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में चलाया जा रहा है, इसका सरकार के निर्देश अनुसार नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत हमारे बांसुर के तमाम यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्क वितरण करके बांसुर के आम नागरिक को जागरूक किया है। और हमने बांसुर में आज 10,000 मास्क, पीपी किट, ग्लव्स, N95 मास्क वितरित किए हैं। और इसमें हमारे साथी सरपंच साहब नीरज जी, सोलंकी जी, गुरु जी सब, गौरव जी, सुरेला जी, हम सभी साथी अलग अलग पंचायतों में भी जो हमारे साथी सरपंच हैं वो भी अलग अलग पंचायतों में वितरित करेंगे। और इसके कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम जो भी युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा जो भी कदम